तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि छोटी मशीन का छांच सेट कैसे टाइट करते हैं। ये जैसे देखिए हिल रहा है, ये यहाँ के पेट ढील हो जाते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टाइट होता है। पहले इसको मैं खोल के जो है साफ करूँगा, इसके तेल वेल आ जाते हैं ना। ध्यान से इसको जो है इसको साफ ऑफ कर लें और उसकी ये चीज़ खोल लें। साफ कर लें, असर कचरा आ जाता है। अब इसको जो है इसके अंदर जो है इसके अंदर कैदे से इसको दबा दें, इसको जो दबा देंगे अंगूठे से, दबा रहिए और ये वाला पेज जो है पीछे वाला ये टाइट करिए। इसके बाद जो है ये वाला पेज टाइट होगा। इसको हनक के टाइट कर दिया, उसके बाद इसको एकदम टाइट हो गया। जो है मैं आपको झांझ का सामान लगा के दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ। पहले इसको कैदे से जो है साफ कर लें। इसको कैदे साफ करने के बाद जो है पहले एक प्लेट जो है यूं आएगी, ये देखिए, और दूसरी प्लेट जो है यूं आएगी। उसके बाद ये स्प्रिंग लग जाएगा। पहले जो एक आध प्लेट आती थी वो लगाइए, चाइना लगाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद जो है नट लग जाएगा। जो हो गया आपका झांझ सेट कैसे लगाते हैं। तो आपने जैसे देख लिया था कि मैंने झांझ का सामान लगा दिया था, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग नट लगाते हैं, ये देखिए ये जूं जो है वापस आ जाता है बाहर। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं मैं इसको बता देता हूँ। बहुत लोग होता है कि तागा लगा देते हैं, लेकिन तागा लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ठीक होता है। ये देखिए आप ये पेश कर लीजिएगा, इसको जो है हल्का सा बीच में देखिए फंसा लीजिएगा, इसको हल्का सा जो है फैला लीजिएगा। हल्का सा फैलाने के बाद देखिएगा नट अभी भी जो है ढीला है। पीस के बाद पीस के इसके अंदर डालिए बीच में, इसको हल्का सा जो है फैला लिए, फिर स्प्रिंग लगाइए, फिर आप टाइट कर दिया। ऐसे भी आप ठीक कर सकते हैं। बहुत लोग तो तागा लपेट देते हैं, लेकिन तागा लपेटने से क्या होता है इसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा।